नमस्कार, मैं विनय कुमार, आप देख रहे हैं स्वजन समाचार। अभी मेरी मौजूदगी सूर्यगढ़ा थाना प्रांगण में है और कल एक जराइम की दुनिया में महाकाल के नाम से कहा जाए कि वो प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए या जराइम की दुनिया में धाक जमाने के लिए एक बंदूक या मास्केट को लेकर के घूमता था अपने क्षेत्र में और कल सूर्यगढ़ा थाना को उसको गिरफ्तार करने में मिली सफलता और उसी की गिरफ्तारी को लेकर के अभी सूर्यगढ़ा थाना परिसर में चल रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस। किस प्रकार से उसकी गिरफ्तारी हुई है, आइए चलते हैं और दिखाते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा जा रहा है। जो महाकाल के नाम से था सूर्यगढ़ा में विख्यात होने की ओर अग्रसर। 3:15 दिन में डायल 112 को गुप्त सूचना मिली कि चकमस्कन टोला काजी टोला में एक व्यक्ति हथियार के साथ घूम रहा है और लोगों को धमका रहा है। इस सूचना पर तुरंत एक छापमारी टीम गठित किया गया जिसमें थाना प्रभारी राजीव कुमार, सिपाही 448 अमित कुमार, सिपाही 429 शैलेंद्र कुमार, महिला सिपाही 422 मनीषा कुमारी, महिला सिपाही 218 विनीता कुमारी एवं 112 के चालक घनश्याम शर्मा एवं चौकीदारों को तुरंत उस जगह रश किया गया, भेजा गया। तो उस मोहल्ले में चकमस्कन काजी टोला में राकेश कुमार उर्फ महाकाल, जिनके पिता का नाम स्वर्गीय गणेश यादव है और वो काजी टोला चकमस्कन के ही रहने वाले हैं, उनको एक देसी मस्कट के राइफल के साथ गिरफ्तार किया गया और उनको गिरफ्तार करके थाना लाया गया है। उनको पूर्व से ही कई लोगों को डराने धमकाने की शिकायत उनके बारे में मिल चुकी है तथा सीमावर्ती थाने सामो की एक हत्याकांड में भी इनका आपराधिक इतिहास पाया गया है। फिलहाल इनको आगे माननीय न्यायालय अग्रसारित किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। कितने मामले इनके खिलाफ है सर? इनके अब तक दो मामले का अभी तक इतिहास, आपराधिक इतिहास पाया गया है। ये पुलिस पर हमले से संबंधित एक सूर्यगढ़ा थाना में कांड अंकित है जिसमें भी ये वांछित थे, तो इसमें भी इनको रिमांड किया जाए। एक हत्या का मामला और एक हत्या का मामला जो है वो भी इनमें इनके संलिप्तता भी है। दो मामले खुले हैं। जी जी। ऐसा ये बराबर ये इनके द्वारा ऐसा किए जाने की सूचना मिली थी जिसके संबंध में हम लोग सूचना संकलन कर रहे थे। उसी के क्रम में ये गुप्त सूचना मिली कि ये व्यक्ति अभी वहाँ चकमस्कर में मौजूद है और उनको छापमारी करके गिरफ्तार किया गया। इसी प्रकार जुड़े हैं स्वजन समाचार के साथ। नमस्कार।